कहीं जन्म का सूरज उगता, कहीं मरण की बेला रे। द्रव्य नहीं पर्याय बदलते, ये सदगुरु का कहना रे। क्या कहा मैंने? कहीं जन्म का सूरज उग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, यानी हर कोई यहाँ पर स्थिर नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं चल रहा है। कहीं मरण हो रहा है तो कहीं जन्म हो रहा है। किसी का जन्म दिन मनाया जा रहा है तो किसी का मरण दिन मनाया जा रहा है। आदमी सुबह जन्मदिन मनाने जाता है किसी का, दोपहर में किसी के शादी में जाता है, और शाम को किसी के मरण में जाता है। बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा होने के बाद, ऐसा देखने के बाद क्या आपके मन में कुछ नहीं होता है कि सुबह एक के जन्मदिन में गए, दोपहर को शादी में गए, शाम को मरण में गए, ये क्या संसार है? क्या मन में कुछ कुछ नहीं होता है? क्या चिंतन जागृत नहीं होता है? क्या अंदर की आत्मा झकझोरती नहीं है कि ये क्या है, ये क्या जीवन है, ये क्या जिंदगी है, ये सब क्या हो रहा है संसार में? जीवन आखिर है क्या? मरण जीवन है कि जन्म जीवन है कि शादी जीवन है, ये है क्या? कभी मन में विचार उत्पन्न नहीं होता आपके? अरे बोलिए ना। अभी कल ही एक थोड़ा सा प्रसंग आया कि एक की मृत्यु हो गई, एक का जन्मदिन मनाया गया, परिणाम ऐसे हो जाते भगवान, बस ये संसार है। और किसका मरण कब कहाँ कैसे होना है उसे पता नहीं है। ज्योतिषी आपका भविष्य बताता है, भाई साहब बहुत पैसा आने वाला है, भाई साहब बहुत आपका काम बढ़िया चलने वाला है, आपकी शादी होने वाली है, आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है, इतना तो ज्योतिषी बता देता है। उसके बाद में वो ज्योतिषी क्या ये बता पाता है कि भैया ये नहीं होने वाला है, इसके बीच में कुछ और भी होने वाला है? क्या होने वाला है? तू ये काम कर नहीं पाएगा, तुझे जाना पड़ेगा। ज्योतिषी ये नहीं बता पाता है। कई बार जब बचपन में किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो लोग जो है बहुत परेशान होते हैं, बोले उस ज्योतिषी ने कहा था इसकी इतनी आयु है, उस ज्योतिषी ने कहा था ये तो बहुत जिएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, और देखो इसकी तो मृत्यु हो गई। खूब परेशान होते हैं, लेकिन जो जितनी सांस लेकर आया है एक सांस वो ज्यादा नहीं ले सकता है, उसे अगली सांस लेने के लिए अगला शरीर धारण करना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा, तब उसकी अगली सांस आएगी। जितनी सांस वो लेकर आया है एक सांस भी वो ज्यादा नहीं ले सकता है। और मृत्यु के समय तुम्हारे पास कौन रहेगा पता है? सारी जिंदगी गीत गाते हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, ये मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, परिवार मेरा है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, सारी जिंदगी गीत गाते हो, और अंत समय कौन साथ रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है कि मरते समय अकेले जाना पड़े, कोई साथ नहीं जाएगा। ये साथ साथ के गीत, ये वायदे, ये कसम, ये सब क्या है? सब झूठा है।
सब झूठा है, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। और यदि वो विचार करता है कि कोई किसी के साथ जा रहा है, झूठा भ्रम पैदा करता है, तो वो धोखे में है। किस में है? वो धोखे में है। और जब वास्तविकता सामने आएगी और जब दिल टूटेगा तो बड़ा परेशान होगा। और पहले से ज्ञान हो जाए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, और जब घटना घटेगी तो फिर परेशानी, हमें तो पता था ऐसा तो हो सकता है, हो जाएगा ऐसा, देखो उनके साथ में हुआ था, देखो उनके साथ में हुआ था। श्री कृष्ण के जीवन को जानते हो? तीन खंड के अधिपति, और कितना बड़ा कुनवा था, कितना बड़ा कुटुंब था कि पूरा महल चहल पहल से भरा रहता था। इधर इतने सारे भाई, इतने सारे चाचा ताऊ, इतने सारी माताएं, इतने सारी पत्नियां, कितनी पत्नी थी? 18,000 रानियां थी। कितनी थी? 18,000 रानियां थी। और जब मृत्यु हुई तो पास में कौन था? बोलिए, ना महल था, ना मकान था, ना झोपड़ी थी, ना उनके पिताजी थे, ना 18,000 रानियां थी। जो सगा भाई हैं, दिन रात कलेजे से लगाए घूमता था बलराम बलभद्र, वो भी पास में नहीं था। जब मृत्यु आई तो अकेले जाना पड़ा। किसकी बात कर रही हूँ? किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? महापुरुष नारायण श्री कृष्ण की बात कर रही कि जाते समय अकेले जाना पड़ा। कौन किसके साथ आया है और कौन किसके साथ जाएगा? अकेले आए हैं और अकेले जाना पड़ेगा। जिस समय कोरोना का समय आया था, क्या हुआ? जिसको कोरोना में जो चला गया वो तो अकेले गया ही गया है, लेकिन जिसे कोरोना हुआ था घर वालों ने कैसे छोड़ा था? पत्नी कहती थी दूर रहो, कमरे से बाहर मत निकलना, तुम्हारी रोटी वहीं दे दूंगी और अपनी थाली खुद ही मांझ लेना, मैं नहीं मांझूंगी, अपने कपड़े खुद ही धो लेना, मैं नहीं धोऊंगी। अरे बोलिए ना, सबको अपने प्राण प्यारे हैं, कोई किसी को प्यारा नहीं है। सब खुद को चाहते हैं, कोई किसी को नहीं चाहता है। जब नंबर खुद का आता है तो सबसे दूर हो जाता है, सबको दूर कर देता है। ना कुछ लाए हैं और ना कुछ लेकर साथ में जाना है। कितने कोरोना में युवा चले गए, वृद्धों की तो बात अलग है, कितने युवा चले गए, कौन बचा पाया? अरे बोलिए ना, जो ये कहती थी सात जन्म साथ निभाएंगे, सात फेरे लिए थे, गई साथ में? अरे बोलिए ना, नहीं गई साथ में? है? जिस माता ने जन्म दिया था हो गई साथ में? वो भी नहीं गई साथ में, कोई साथ में नहीं गया। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। इस सत्य को स्वीकार कर लो हृदय से, इस सत्य को स्वीकार कर लो अपने मन से, आत्मा से। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप परिवार छोड़ दो, मगर श्रद्धा बनाओ कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ना कोई किसी के साथ आया है और ना कोई किसी के साथ जाएगा। क्या साथ जाएगा? जो अच्छे काम किए हैं बस वही हमारा साथ निभाएंगे, बाकी कोई हमारा साथ निभाने वाला नहीं है, कोई साथ नहीं निभा। खूब अच्छी तरह से जान लो संसार को, खूब अच्छी तरह से देख लो संसार को। क्या देखना है? अनंत काल से भटक रहे हैं। कब से भटक रहे हैं? अनंत काल से। अभी कल सामायिक में चिंतन कर रही थी कि जैसे मान लो जल का एक जीव है, एक सागर में वो जल का एक जीव बना और वहां पर हजारों वर्षों तक रहा, फिर मरा, फिर उसी में पैदा हो गया, फिर मरा, फिर उसी में पैदा हो गया। जैसे तैसे जल का एक जीव से निकला
दो इंद्री बना, फिर उसी समुद्र में दो इंद्री बन गया, फिर वो मरा, फिर उसी समुद्र में दो इंद्री बन गया, फिर हजारों करोड़ों अरबों बार दो इंद्री बना, फिर उसी समुद्र में तीन इंद्री बन गया, फिर उसी समुद्र में चार इंद्री बन गया, और ऐसे पता नहीं अनंत बार उस समुद्र में जन्मता रहा, मरता रहा, और वहां से निकल नहीं पाया। और ये तीन लोग कितना बड़ा है, हम कहां कहां भटक के आए हैं, और ये मनुष्य पर्याय मिल गया, और यहाँ भी कल्याण नहीं किया, यहाँ भी ये क्या कहते, आया अकेला जाएगा अकेला, बीच में तू क्यों करता दंगा, ना लाए हैं ना ले जाए हैं, काहे को परेशान हो रहे हो, काहे को इतनी टेंशन, किस बात की टेंशन, जब लाए नहीं ले जाना नहीं तो टेंशन किस बात की। अरे बोलिए ना, बात समझ में आई कि नहीं आई है। और ये बात यदि जवानी में समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दंगा कब करता है, जब तक हाथ पांव में दम होती है। कलेश कब करता है, जब तक हाथ पांव में दम होती है। ईर्ष्या द्वेष क्रोध मान माया लोभ कब करता है, जब तक हाथ पांव में दम होती है। बुढ़ापे में समझ में आई तो क्या समझ में आई, जब कुछ कर ही नहीं पाओगे, और बुढ़ापे में तो समझ में भी नहीं आती। यदि किसी बूढ़े व्यक्ति से कहो भाई दीक्षा ले ले, नहीं नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरे भाव नहीं है, मैं घर नहीं छोड़ सकता, मैं पोते को नहीं छोड़ सकता। बहुत करोड़ों में हजारों में कोई एकाध होता है जिसके भाव दीक्षा के बनते हैं, जिसके भाव साधना करने के बनते हैं। तीन व्यक्तियों को वैराग आया, एक बच्चा था, एक युवा था, और एक बूढ़ा था। प्रवचन सुन रहे थे, जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो ऐसे जंगल में मुनिराज के प्रवचन सुन रहे थे। तीनों को वैराग आया तो तीनों ने आपस में सलाह करी, चलो अपन साथ में दीक्षा लेंगे, ठीक है। तो अब तीनों घर चले गए, तो जो जवान था उसने बूढ़े से कह दिया, जब तू जाए तो मुझे बता देना। है बच्चे ने युवा से कह दिया, जब तू जाए तो मुझे बता देना, दीक्षा लेने साथ चलेंगे। अब बूढ़ा जो है घर गया, अब पांच बेटे हैं, पांच बेटों का बंटवारा किया, जितनी गृहस्थी फैलाई थी वो समेटी, उसको ठिकाने लगाया, फिर वो घर से निकला, फिर गया युवा के पास में, बोले चल भाई तूने कहा था दीक्षा लेंगे। बोले ठीक है चलूंगा। तो बोले अच्छा जरा पत्नी से कह दूं। तो अंदर गया, पत्नी से कहा और निकल आया। वो बूढ़े का वैराग्य था, ये जवान का वैराग्य है। अब और आगे बढ़े तो जिस बच्चे ने कहा था कि मैं भी दीक्षा लूंगा, तो रास्ते में वो खेल रहा था, तो उससे कहा भाई तूने कहा था दीक्षा लूंगा। बोले चलो। बोले घर में तो कह दे, अरे दीक्षा मुझे लेनी, घर में क्या कहना है, चलो। एक ने गृहस्थी बसाई, उसे निकलने में टाइम लगा, दूसरे ने बसाई तो सही मगर अभी ज्यादा घुस नहीं पाया है, उससे कम समय लगा, और तीसरे ने गृहस्थी मोह माया बसाई नहीं तो सीधे निकल के चला गया। जितना संसार में घुसते जाओगे उतना निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब भाव बने तभी धर्म करना शुरू कर दो, क्योंकि ये धर्म का रास्ता ही मोक्ष की तरफ जाता है, ये धर्म का रास्ता ही संसार को छुड़ाता है, ये धर्म का रास्ता ही दुख से दूर करता है, और अंत में जो वास्तविक सच्चा सुख अनंत सुख मिलेगा वो इस धर्म के माध्यम से ही मिलेगा। आप भगवान के सामने खड़े होकर थोड़ी देर भगवान का ध्यान लगाया करो। आप भगवान के पास तो जाते हो मगर भगवान का ध्यान नहीं लगाते। भगवान का ध्यान लगाया करो कि भगवान आपके पास में कुछ नहीं है फिर भी आप सुखी हो, और मेरे पास में एक मकान ना हो तो मैं देखो कितनी टेंशन में रहता हूँ, मैं देखो कितना परेशान रहता हूँ। भगवान जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। भगवान के सामने खड़े होकर ऐसा चिंतन करोगे
तो ऐसी शांति आएगी। भगवान आप किसी पर ऑर्डर नहीं चलाते, भगवान आप किसी को आदेश नहीं देते, फिर भी सब आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। और यहाँ घर में कोई मेरी ना सुने तो हम रोने बैठ जाते हैं। बोलिए हाँ या ना है, तो भगवान तुम्हें उत्तर देंगे किसी पर ऑर्डर चलाने की जरूरत नहीं है। किसी को भाई आप ग्रस्ती हो फिर भी बताना पड़ता, वो बात अलग है। यदि ना माने तो टेंशन ना करो। भगवान को देखने के बाद मन में ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु जैसे आप बने हो बस ऐसा मुझे बनना है। इस भावना से यदि आप मंदिर जाते हो तो आपकी सारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। समस्या परिस्थिति दुख नहीं देती है, मनस्थिति दुख देती है। और मंदिर में जाकर मनस्थिति ठीक होती है। परिस्थिति जब ठीक होनी होगी, जब पुण्य का उदय आएगा तब ठीक हो जाएगी। जो चीज जब मिलनी है तब मिलेगी, मन अभी से क्यों खराब करो, मनस्थिति तो ठीक रखो। भाई बेटा घर में नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, जब होना होगा हो जाएगा। मन को क्यों टेंशन में डाल रहे हो, अभी से मन को क्यों दुखी कर रहे हो। वस्तु जब आती है तब सुख नहीं देती है, लेकिन जब तक नहीं रहती है तब तक दुख देती है। बोलिए हाँ या ना। जब तक पास में चीज नहीं है बहुत दुखी है, और आने के बाद अब तो पड़ी है घर में, बहुत सोना है मेरे पास में। जब तक नहीं था तो खूब टेंशन थी, और अब आ गया तो बैंक लॉकर में पड़ा है। भाई बैंक लॉकर में ही डालना था तो पहले किसी और के पास पड़ा था, अभी भी पड़ा है। अरे बोलिए ना, पहले किसी और के पास में पड़ा था, अब बैंक लॉकर में पड़ा है। पड़ा पहले भी था, पड़ा अब भी है, और छोड़ के पहले भी जाना था और छोड़ के अब भी जाना है। यदि सोने की झारी बनवा के जाओगे तो कम से कम वो सोना हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चला जाएगा, और नहीं तो पड़ा तो है ही। आज सास के पास में है, कल बहू के पास में रहेगा, बहू किसी और बहू को दे देगी, बस ये ट्रांसफर होता रहेगा। और सोने की झारी बन जाएगी तो कम से कम प्रभु की अभिषेक और शांति धारा तो हो जाएगी। जिस सोने की आपने तिजोरी में रख दिया है और उसकी आप रक्षा करते हो, तो जो रक्षा करने वाला होता उसे क्या कहते हैं, चौकीदार। अरे बोलिए ना, क्या कहते हैं, चौकीदार। और जो सोने को पहनता है अथवा दान करता है वो कौन कहलाता है, मालिक। क्या कहलाता है, दान कर दिया आपने, मेरी चीज है, मैं चाहे जहां लगा दूं, मैं चाहे मंदिर में सोने की झारी बनवा दूं, मैं चाहे सोने का कलश बनवा दूं, भगवान की अभिषेक शांति धारा करवाने के लिए मैं मालिक हूँ। यदि आपने अपने हाथ से दिया है तो आप मालिक हैं, और आप केवल रक्षा कर रहे हैं। अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, कितनी मुश्किल हो रही है कहने में है? हाँ, महिलाओं को सोने से बड़ा प्रेम होता है, बड़ा प्रेम होता है, हैं? जितना वो खुद से प्रेम नहीं करती उससे ज्यादा प्रेम सोने से करती हैं। और ये सोना जब सोने की झारी में लग जाता है तो अमर हो जाता है। यदि सोने को पहन करके मृत्यु हो जाए तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन यदि सोने की झारी बन जाए तो तुम्हारे साथ चला जाएगा, क्योंकि तीन लोक के भगवान के नाथ की शांति धारा हो। सोना गिर में सोना बरसाना है, क्या करना है, सोना गिर में सोना बरसाना है। तो उससे क्या होगा, हमारे भगवान चंद्रमा के जैसे हैं और सोना सूरज के कलर का होता है, तो चांद और सोना, चांद और सूरज दोनों एक, क्या महिमा होगी। बंधुओं, आप भक्तांबर में पढ़ते हैं श्लोक, तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो सुमेरु पर्वत का है कि सोने के समान सुमेरु पर्वत है,
किसके समान? सोने के समान। और जो उसमें झरने बहते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो चांदी के समान है। तो जब सोने के भगवान के सोने के समान भगवान के ऊपर चांदी के चवर ढुराए जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत पर झरना बह रहा है। हाँ, 33 नंबर का श्लोक है ना। चलिए आप पढ़ लेना, अब आप पढ़ लेना, अर्थ निकाल लेना। अर्थ मैंने आपको बता दिया, अब निकाल आप लेना। मैंने आपको भाव बता दिया, मेरे अंदर भाव भरे हैं, श्लोक का क्रम निकल गया है, भाव भरे हैं। और अभी भी कुछ महिलाओं ने सोने की अंगूठी दी है ना। इन हाथों की शोभा अंगूठी से कम और दान से ज्यादा होती है। यदि इन हाथों ने कभी दान नहीं दिया है तो समझना ये हाथ मिलना और नहीं मिलना बराबर है। एक अंगूठी नहीं, 10 अंगूठी पहन लेना, कोई शोभा नहीं पाएंगे, क्योंकि हाथ तो पशुओं के नहीं होते, इसलिए वो कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। और मनुष्य को हाथ मिले और वो अच्छा काम नहीं कर पाया, तो हाथ मिलना और नहीं मिलना बराबर हो गया। हाथ मिले हैं, अभिषेक करो, पूजा करो, शांति धारा करो, आहार दान दो, हैं, अच्छे अच्छे काम कर लो। और यदि हाथ से अच्छा काम नहीं किया तो अगले जन्म में ये हाथ पांव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अरे बोलिए ना, पांव बन जाने का मतलब तर्यांच गति में चले जाएंगे। भाई आपका बेटा आपसे पैसा लेकर जाए और गलत काम करे तो आप क्या कहते हो? इस बार तो तुझे पैसे दे दिए, अब अगले बार बिल्कुल नहीं देंगे, तू गलत काम करके आता है ना। ऐसे ही इस जन्म में हाथ मिले और अच्छे काम नहीं किए तो कर्म कहता है तुझे हाथ मिले थे, तूने अच्छे काम नहीं किए, अब अगले जन्म में तुझे हाथ मिलने वाले नहीं है। इसलिए इन हाथों से कुछ अच्छे काम जरूर कर लेना। बंधुओं, नाटक एक शब्द है, नाटक। नाटक देखते हो? अरे बोलिए ना, अब उसे भले आप फिल्म कह लो, मूवी कह लो, पिक्चर कह लो, और चाहे सीरियल कह लो, हैं तो सब नाटक, ठीक है? नाटक देखते हो ना। नाटक में पहले के समय में रामलीला होती थी। राम तो एक बार हुए हैं, मगर रामलीला अभी तक चल रही है। अब रामलीला में एक रावण बनता है, एक हनुमान बनता है, राम लक्ष्मण आदि बहुत सारे पात्र बनते हैं। नाटक चल रहा है, अब नंबर आया लंका जलाने का, किसमें? नाटक में। और हनुमान ने आग लगा दी, ठीक है। अब रावण क्या करेगा? लंका में आग बुझाएगा। क्या करेगा? लंका में आग बुझाएगा। इत्तेफाक से उस नाटक के रावण के कान में जाकर किसी ने कह दिया कि भैया तेरे घर में आग लग गई, अब वो कौन सी आग बुझाने जाएगा? नाटक की आग बुझाएगा या अपने घर की आग बुझाएगा? अरे बोलिए ना, हैं? इस लंका में आग लगी, नकली लंका में आग लगी, इसका दुख ज्यादा है कि घर में जो आग लगी उसका दुख ज्यादा है? बोलिए, घर का दुख ज्यादा है। क्यों? ये लंका कुछ समय की थी, मान लो 4 दिन का नाटक है, रामलीला 8 दिन चलती है, ये 8 दिन का नाटक है, और घर में रह रहे हैं तो 60-70 साल का नाटक है। नाटक तो दोनों ही, छोड़ के ये भी जाना है और छोड़ के वो भी जाना है। ये नाटक किसी डायरेक्टर के इशारे पर कर रहे हो और वो नाटक कर्म के इशारे पर चल रहा है। कर्म कहता है रो,
तो तुम रोते हो। कर्म कहता है तुम हंसो तो तुम हंसते हो। कर्म कहता है क्रोध करो तो तुम क्रोध करते हो। कर्म कहता है ये संपत्ति इकट्ठी करो तो तुम संपत्ति इकट्ठी करते हो। यानी पूरा जीवन केवल कर्मों के इशारे पर चलता है। मगर फर्क इतना है कि कर्म हमें दिखते नहीं है तो हमें लगता है ये सारा काम हम कर रहे हैं। सारा इशारा कर्मों का है। तुम यहाँ बैठे हो तो कर्मों की वजह से। तुम पलक भी झपक रहे हो तो कर्मों की वजह से। तुम बीमार हो तो कर्मों की वजह से। तुम स्वस्थ हो तो कर्मों की वजह से। अब आपका प्रश्न होगा, जब कर्म को ही सब कुछ करवाना है तो हम क्या करें? हम तो आराम से बैठेंगे? नहीं, जब कर्म का उदय मंद होता है, पाप कर्म का उदय, जब पाप कर्म का उदय मंद होता है तो अच्छे काम के पुरुषार्थ में सफलता मिलती है, और जब पाप कर्म का उदय तीव्र होता है तो अच्छे काम में सफलता नहीं मिलती है। मगर ये जरूर जानो कि जो कुछ है वो कर्म के उदय में है। ये नाटक, ये हमारे जीवन का जो डायरेक्टर है ना, वो कर्म है। हम ये ना समझे कि हम कर रहे हैं। हाँ, जो ये समझ लेता है हम कर रहे हैं, उसे जो रावण है वो नाटक में के लिए रावण है, उसके बाद उसकी फिर वापस अपने रूप में आ जाएगा। ये जो हम बने हैं, जिसको जो नाम मिला है, सीता गीता संगीता, जो भी जिसको नाम मिला है, रमे है ना, तो वो नाम जो है कितने दिन के लिए है? जब तक ये शरीर है तो नाम है, और जैसे शरीर छूटा फिर अगला जन्म में दूसरा शरीर मिल गया, फिर हमारा नाम बदल गया, फिर तीसरा नाम हो गया, बस ये ही कर रहे हैं। और ये भ्रम आज से नहीं है, अनंत काल से है। अनंत काल से भ्रमित होकर जिए जा रहे हैं। और जिस भ्रम के टूटने का नाम है वैराग्य। इस भ्रम के टूटने का नाम है वैराग्य, और वैराग्य से फिर आगे बढ़कर इस भ्रम को तोड़कर और फिर आत्मा को शुद्ध बनाने का नाम है धर्म की साधना। धर्म कहते किसे हैं? आप क्या समझते हो? धर्म का काम घर गृहस्थी में सुख शांति देना है, घर धर्म का काम धन संपत्ति देना है, धर्म का काम बच्चों की शादी करवाना है। तो जैसे एक किसान खेती करता है तो घास फूस अपने आप उग जाती है, ऐसे ही यदि वास्तव में आत्मा के लिए धर्म किया जाए तो ये जो घर गृहस्थी के सुख है ना, ये तो अपने आप मिल जाते हैं। किसान कभी भी घास फूस के लिए खेती नहीं करता है। आप धर्म करो, आत्मा के लिए करो, आत्मा को सुखी करने के लिए करो, ये घर के सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन जो धर्म करता है घास फूस के लिए, उसे क्या कहा जाएगा? अरे बोलिए ना, धर्म किसे कहते हैं? धर्म को तो समझो। अभी 10 लक्षण पर्व गए हैं, 10 धर्मों की आपने आराधना करी, उपासना करी। धर्म है क्या? जिसने धर्म को समझ लिया, जिसने धर्म को जीवन में उतारने का प्रयास किया, वो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएगा। वो तड़फ होती है अंदर में, ऐसी तड़फ होती कि भगवान कब ये छूटेगा। जिसको वास्तव में ज्ञान हो जाता है वो इकट्ठा नहीं करता है, वो तो ये सोचता है भगवान कब छूटेगा, कब मैं आपके जैसे निर्ग्रंथ बनूंगा, कब मैं आपके जैसे इस सांसारिक बंधन से मुक्त होऊंगा और अपनी आत्मा का ध्यान करूंगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, कितने अच्छे लोग हैं। किस किस की समझ में आई, जरा हाथ उठाकर बताना। तो जितना सोना चांदी पहने हो, आ सब झारी के लिए। अब आपके माता जी, अच्छा हुआ आज हम पहन के नहीं आए। ये मोह 1 मिनट में घेर लेता है, 1 क्षण में
पलक झपकते में घेरता है। बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र जहां से 5.5 करोड़ मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया है, सब कुछ छोड़ के गए हैं। क्या छोड़ के गए हैं? शरीर ही छोड़ दिया, कर्म ही छोड़ दिए, और आत्मा को सिद्ध बना के मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए। ऐसी आत्मा हमारी बने, इस भावना के साथ मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तो मैं पाना का और देने में सोना का बड़ा ही महत्व है। धरती पर नारी का आने में बारी का, और भगवान के लिए शांति धारा की झारी का बड़ा ही महत्व है। क्या चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, किस किस को शांति चाहिए? अरे बोलिए ना, सबको चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? झारी बनवानी पड़ेगी। हाँ, देखो, जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, ऊपर से नीचे तक सोना पहनते हैं, और हमारे भगवान की शांति धारा चांदी की झारी से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि भगवान हमारे हैं तो उनकी जो भी चीज हो वो सोने की होनी चाहिए, ताकि यदि हम वैभववान हैं तो हमारे प्रभु कम वैभववान थोड़ी होंगे। स्वर्ग का जो सौधर में इंद्र होता है, जो भगवान के चरणों में सोना चांदी स्फटिक मणि रत्न लाल मणि हरित मणि जितनी मणियां स्वर्ग में होती हैं सब उतार के लिए आता है। किसके पास? भगवान के हैं। इसलिए भक्तांबर में एक विचार करो, क्या भक्तांबर बोलिए। अब इसका अर्थ निकालो, भक्त अमर यानी देवता। भक्त नर नहीं कहा है, क्या कहा है? भक्त देवता। जितनी भक्ति देवता कर सकते हैं उतनी भक्ति मनुष्य नहीं कर सकता है। जितना देवता सब कुछ समर्पण कर सकते हैं मनुष्य नहीं करता है। होता है दान करना। धन की 3 गति हैं, दान भोग और नाश, ठीक है। अब ये मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा? तो जिसने अपना पैसा लगाया वो लेके तो नहीं गया, लेकिन आज तक कितने लोगों का भला हो रहा है। ऐसे ही उस सोने को तुम झारी में लगाओगे, तुम लेके तो नहीं जाओगे, मगर उस झारी से कितने समय तक शांति धारा चलेगी। तो ऐसे वो चीज अमर हो जाती है। ठीक है, हाँ आपने, हाँ बहुत बढ़िया। हमारे बेटे का प्रश्न है, हमने इतनी मेहनत से कमाया है तो कैसे दे दें? बस अभी यही तो समझाया था बेटा, तुमने नहीं कमाया, तुम्हारा पुण्य नहीं होता ना तो किसी झोपड़ी में पैदा होते भिखारी के यहाँ। तुम्हारा पुण्य था इसीलिए तुम यहाँ आए, और मेहनत से कमाया ये भी मत कहो, ना हो तो सफलता नहीं मिलेगी। जो कमाया है वो मेहनत तो है, लेकिन बिना पुण्य के मेहनत में सफलता भी नहीं है। इसीलिए आप मेहनत कर रहे हैं तो ये मत कहो कि मेरे मेहनत से आया है, ये कहो मेहनत से नहीं पुण्य से आया है। पहली बात, वो पुण्य कहाँ से आया है? वो पुण्य आया है देव शास्त्र गुरु की भक्ति से। तो जहां से आया है वहीं लग। सुख कहाँ है? सोने में है या आत्मा में है? तो हमारे भगवान क्या पहने हैं? कुछ नहीं पहने ना। इसका अर्थ समझो, आप मंदिर जाते हो तो भगवान से बातचीत किया करो, करते हो? वो एक बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, कम से कम बच्चे के मन में प्रश्न आए तो सही, इसने हमसे पूछा तो सही, हिम्मत तो करी। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छे, आशीर्वाद। देखिए, एक स्वर्ण कंकन मध्यम में करो, मध्यम में आएगी। यहाँ दान किया है तो लोग यहाँ के अपनी भावनाओं को पवित्र करेंगे, ठीक है। और किसी गरीब को दान तो तुमने कर दिया, उस दान का खाकर वो कितनी माला फेरेगा, वो कितनी पूजा करेगा, कितने विधान करेगा,
वो तो अपात्र में आता है, वो उसे करुणा दान कहा, उसे दानवी नहीं कहा। ठीक है, आपके मन में आया है तो कर दो, अच्छी बात है, लेकिन दान में तो ये ही आता है। ठीक है, गरीब के अंदर। अब वो उस बीज का क्या कर रहा, एक सेठ जी थे, उन्होंने कंबल बांटे, तो एक मछली पकड़